बाल गोविंद भगत पाठ का मूल भाव आज आपको बता रही हूँ। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को आदरणीय व्यक्ति मानते आए थे। लेखक ब्राह्मण था और बाल गोविंद भगत एक तेली थे। तेली को उस समय के समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था, फिर भी बाल गोविंद भगत सबकी आस्था के कारण थे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है। गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं अपितु उसका व्यवहार है। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना तथा मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। बाल गोविंद भगत भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनके अनुसार उनका जो भी है वह सब भगवान की देन है, उस पर उसी का अधिकार भी है। इसलिए वे अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते थे। बाद में प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उसी से अपना जीवन बिताते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर अपने पुत्र वधु से सभी सारे क्रियाक्रम करवाए थे। वे समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने पुत्र वधु को पुनर्विवाह के लिए उसके घर भेज दिया था। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करते थे। उनके सभी कार्य परहित में होते थे। वे अंत तक अपने बनाए नियमों में विश्वास करते हुए जीते रहे थे। उन्होंने आत्मा को वास्तविक रूप से पहचान लिया था।